जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनुस मेमन है और ये मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग जो है, देखें, ये ड्रामे की रिहर्सल चल रही है, ये रिहर्सल चल रही है ड्रामे की। और ये ड्रामा है खादिम हुसैन उचवी साहब का ड्रामा है ये तेरे फनकार बंदे। और ये फेस्टिवल में जो हमारे चार ड्रामे रह गए थे वो इसको रिकॉर्ड अपना बना रहे हैं और रिहर्सल हो रही है। और मैंने व्लॉग इसलिए बनवा रहा हूँ कि थिएटर के जो किंग थे और जो बानी स्टेज जो कहला सकते हैं, हमारे जो स्टेज ड्रामों के जो किंग थे उमर शरीफ साहब, उनकी बरसी है 2 अक्टूबर को। तो उस सिलसिले के अंदर ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि इसमें खादिम हुसैन साहब ने भी इस ड्रामे के अंदर जिक्र किया हुआ है। ये सारे जो हैं अपना शबीर भट्टी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उमर भाई के हवाले से व्लॉग बनाया है। अच्छा, ठीक है। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं खादिम हुसैन साहब, जो अभी रिहर्सल कर रहे हैं, और उमर शरीफ साहब की बातें भी डाली हैं इन्होंने और आज उनकी बरसी है, तो इस वजह से मैं सारा वीवो कर रहा हूँ। और देखें कि ये अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल यह है कि यहाँ उचवी साहब की रिहर्सल है, हम चुपचाप देख रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त ड्रामा आप देख रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। बरसी के हवाले और उमर भाई की बरसी के हवाले से इसमें ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है उनको, और इंशाल्लाह ड्रामा आपको अच्छा लगेगा। ये तेरे फनकार बंदे तो ज़रूर आइएगा, और यूनुस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे थैंक यू परवेज भाई। ये उमर शरीफ साहब की बरसी के हवाले से मैंने व्लॉग बनाया है। और लाइट चली गई है अभी जी। अस्सलाम वालेकुम। ये रिहर्सल के दौरान लाइट चली गई थी, तो मैं सिलसिला वहीं से जोड़ रहा हूँ। ये उमर शरीफ साहब के साथ इन्होंने बेहद काम किया। कमाल इदरीस साहब हमारे थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उमर शरीफ साहब की 2 अक्टूबर को संडे को बरसी मनाई जा रही है, तो अब्दुल्ला शाह गाजी के बाजार पे, वरना घर पे रख लेंगे जिस तरह के जो हालात इस हिसाब से। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे, आपने काम किया है उमर शरीफ? उमर भाई के साथ मैं तकरीबन 20-25 साल कंटिन्यू काम किया मैंने, और बहुत मोहब्बत मिली, और जो कुछ भी आज हमें उन्हीं की बदौलत है, अल्लाह ताला उनकी माफ़रत फरमाए। वो यूनिवर्सिटी थे, मतलब फनकारों की यूनिवर्सिटी थे। जितने बड़े बड़े स्टार हैं यहाँ पे, शकील सिद्दीकी हैं, रऊफ लाला है, वली शेख है, सिकंदर सनम थे, ये हम सब उमर भाई के शागिर्दों में से हैं, और हमारे उस्ताद, हमें फ़ख्र है कि हमने उनके साथ काम किया, और इसी वजह से उनकी वजह से हमारी भी इज्जत है कि हमें पहचानते हैं लोग, कहते हैं ये उमर शरीफ के ड्रामे में काम करता है, ये उमर शरीफ के ड्रामे में काम करता है। और यूनुस भाई कई सालों से हमारे साथ है, हमारे उस्तादों की तरह हैं, हमारे बहुत हमने इनके साथ काम किया। अल्लाह पाक इनको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप लोग शिरकत ज़रूर कीजिएगा उमर भाई की बरसी में, दुआ कीजिए। अगर नहीं आ सकते तो दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। आमीन आमीन। और उनको करवट करवट अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया कमाल इदरीस साहब। अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ, अपना ये सिकंदर सनम के बेटे हैं जोहेब सनम, ये भी काम कर रहे हैं। उमर शरीफ साहब की बरसी है 2 अक्टूबर को, तो आपके अबू ने भी माशाल्लाह बहुत काम किया है, और आप भी इसमें कदम रखा है आपने, अल्लाह कामयाब करे आपको। तो उमर शरीफ साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? ये कि उनको दुआओं में बहुत याद रखें, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। उन्होंने जितना काम किया है, पापा ने उनके साथ बहुत काम किया है, बस अपनी ख़ास ख़ास दुआ में उनको खसूसी याद रखें। बहुत शुक्रिया जोहेब बेटा, अल्लाह तुम्हारे अबू को भी मदद करे, उनको जन्नत नसीब करे। ठीक है बेटा, अल्लाह बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह कामयाब करे। ठीक है, कबीर भट्टी है हमारे, जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और क्या कहेंगे भाई, उमर भाई के लिए तो, उमर भाई के लिए बात कर रहे हैं, उमर भाई के लिए तो क्या है, उनकी कमी हम रोज़ाना जो है वो महसूस करते हैं, और दिल से दुआ निकलती है अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। और ये एक ऐसा खला है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई दोबारा भी पैदा होकर आ जाए, उमर शरीफ एक था और एक ही रहे। थैंक यू कबीर भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे खादिम हुसैन साहब हैं जिनका ड्रामा है, तो इसके उमर शरीफ साहब के बारे में, 7 बजे तो ईजी है ना, 2 तारीख को बरसी है उमर शरीफ साहब की, आप क्या कहेंगे? वो भाई मेरे रूहानी उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उसको जन्नत में सैर कराए, और कर रहे होंगे यकीनन मुझे,
तो हमें पता ही नहीं चला। देखो एक साल गुजर गया हमसे, हमारा ताज, हमारा किंग, हमारा बादशाह हमसे बिछड़ गया, लेकिन बहरहाल हर आदमी ने जाना है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसको जन्नत में, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं सब नसीब हो। और ये हमारी आगे से सपना, उन्होंने कम काम किया लेकिन काम किया है, और इस वक्त जो है हमारे कमर्शियल चार्ज करके ला, इसकी आवाज ही नहीं आ रही। अपना क्या कहेंगे उमर सलीम साहब के बारे में, उनकी 2 तारीख को बरसी है, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर इतनी जल्दी आ गई उमर भाई की बरसी। हमें अभी तक यकीन ही नहीं कि वो हमें छोड़ के चले गए और बरसी भी आ गई। हर इंसान ने जाना है, लेकिन कुछ लोग जाते हैं तो उनका खला कभी भरता नहीं, और उमर भाई का खला कभी नहीं भरने वाला। हम उन्हें हर पल हमेशा याद रखेंगे। दुआ अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को उमर जैसे लोग और अता करें। नामुमकिन लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा टैलेंट, गॉड गिफ्टेड लोग हमें और दें मजीद। बहुत शुक्रिया। अब मैं जा रहा हूँ अपना, हमारे आमिर अली साहब सीनियर डायरेक्टर हैं, और इस प्ले में ये तेरे फनकार बंदे के अंदर एसोसिएट डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने उमर शरीफ साहब के साथ बिगनिंग काम किया, हमारे साथ ही रहे। और आमिर भाई, 2 तारीख को उमर शरीफ साहब की बरसी है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी यूनुस भाई, मैं उमर भाई के लिए बैठकर बात नहीं कर सकता, उनका हमारे दिल में मोहब्बत है। अब मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमारे तो और आपके सालों बरसों गुजरे हैं, शुरू के हम साथियों में से हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं। उमर भाई कैसे फनकार थे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया खुद जानती है और उनकी जो है वो तारीफ करती है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लम्हा लम्हा याद आते हैं, कभी दिल से नज़रों से नहीं उतरते। अब उनके लिए सिर्फ जो है दुआए मगफरत है, वो अब हमारी सिर्फ नमाजों में दुआओं में रह गए। अल्लाह ताला पंचन पाक के सदके उनको गरी के रहमत करें, आमीन आमीन, और उनके लवाहिकीन को सब्र दें, आमीन। अब उनके लिए बस दुआ करते हैं, और सब देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि उनकी मगफरत के लिए दुआ करें, आमीन सुमा। बिल्कुल, हमें जो है दुआओं में याद रखना है, इसलिए कि जाने वाला चला गया, अब जो है सिर्फ दुआएँ काम आएगी। अब ये हमारे एम शरीफ साहब है जिनका ड्रामा एज ए राइटर डायरेक्टर होना जा रहा है 2 तारीख को, जिस दिन उमर भाई की बरसी है उसी दिन शरीफ भाई का ड्रामा भी है, और रात में नज़र भाई का ड्रामा है। तो ये ज़रा शरीफ भाई, आपने भी उमर भाई के साथ वक्त गुजारा है, आप क्या कहेंगे उमर शरीफ साहब के बारे में? उमर शरीफ साहब के बारे में तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, दुनिया जानती है कि उमर भाई क्या चीज़ थे और बड़ी रूहानी शख्सियत थे। लेकिन मेरी खुशनसीबी ये है कि आर्ट्स काउंसिल में 2 अक्टूबर को जो उमर भाई की पहली बरसी है, उस दिन जो है मुझे ड्रामा दिया है आर्ट्स काउंसिल ने, ज़ेर एहतमाम अहमद शाह साहब ने, आर्ट्स काउंसिल ने, उस दिन मेरा ड्रामा है, और ये मेरी खुशनसीबी है। और इसमें पाकिस्तान भर के फनकार जो है परफॉर्म करेंगे, साथ तमाम कॉमेडियन होंगे, तारिक गुड्डू भाई भी उसमें शामिल होंगे, और मज़ीद गुफ्तगू आपसे तारिक गुड्डू भाई करेंगे। बट तारिक गुड्डू भाई, आपने तो खैर बिगनिंग ये आदम जी से हमारे साथ रहे हो, और उमर भाई से आपकी बड़ी अच्छी मोहब्बत रही है, तो बरसी है 2 तारीख को उनकी, 2 अक्टूबर को, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, तो आप क्या कहेंगे तारिक भाई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा तारिक गुड्डू नाम है, उमर भाई मुल्क का कॉमेडी किंग, अल्लाह मियां उनकी मगफरत करे, बहुत अजीम आदमी थे, बहुत बड़े लेजेंड थे, और उनकी बरसी है 2 अक्टूबर को, तो आर्ट काउंसिल पाकिस्तान अहमद शाह साहब ने उनको 2 अक्टूबर को ट्रिब्यूट भी दिया है।